हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान नॉलेज गुरु। आज मैं आपको डाइवर्सी के केमिकल के बारे में नॉलेज दूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी आर यूजिंग केमिकल इन किचन। सो आंसर इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीनिंग केमिकल आर यूज टू कीप द होटल किचन एंड वर्किंग एरिया इन नेट एंड हाइजीनिक कंडीशन बिकॉज देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी गैदर देन प्रोटेक्टिंग द गेस्ट हु ईट द फूड विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द किचन। अब मैं आपको हिंदी में बताऊंगा कि हम केमिकल क्यों यूज़ करते हैं किचन में। होटल की रसोई और कार्य क्षेत्र की साफ सुथरी और स्वच्छ स्थिति में रखने के लिए विभिन्न प्रकार की सफाई रसायनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रसोई में उत्पन्न होने वाले भोजन को खाने वाले मेहमानों की सुरक्षा से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं आपको डाइवर्सी के केमिकलों के बारे में नॉलेज दूंगा, जिसमें सबसे पहले आता है D1। D1 का यूज़ बर्तन धोने के लिए किया जाता है और इसका डाइल्यूशन है 20 लीटर पानी में 20 ml। अगला केमिकल है D2। D2 एक मल्टीपर्पज़ डिटर्जेंट है, इसको हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए, फ्लोर क्लीनिंग के लिए, वॉल के लिए, डोर क्लीनिंग करने के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम इसके। और इसका डाइल्यूशन है 750 ml वाटर में 20 ml। अगला केमिकल है D3। D3 हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है किचन में, जैसे कि हम कुकर, ग्रिल, होल्ड पैन, ऑयल, यहाँ पे ऑयल गिर गया है, ऐसी जगह पे D3 का यूज़ किया जाता है और इसमें कोई पानी नहीं मिलाया जाता, इसे सीधा ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट केमिकल इज D4। यह एक सैनिटाइजर है और इसमें कोई पानी नहीं मिलाया जाता, सीधा इसको बोतल से निकाला जाता है और स्प्रे बोतल में भर के यूज़ किया जाता है। ये एक सैनिटाइजर है D4। अगला केमिकल है D5। D5 एक एसिडिक केमिकल है, इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जैसे मशीनों को साफ करने के लिए, बर्नर हो गया हमारा किचन में, बॉयलर हो गया, स्टीमर हो गया, या तो कोई चाय और कॉफ़ी के दाग जहाँ पे पड़े हैं वहाँ पे हम D5 का यूज़ करते हैं। और इसका डाइल्यूशन है 50 to 200 ml, वो भी 1 लीटर पानी में। अगला केमिकल है हमारे पास D6। ये एक ग्लास क्लीनर है, इसमें भी कोई पानी नहीं मिलाया जाता, ये रेडी टू यूज़ होता है, इसको बोतल में से निकालो और यूज़ करो सीधा। इससे हम क्या क्या साफ़ कर सकते हैं, विंडो, मिरर, डिस्प्ले, कैबिन, टाइल्स एंड अदर। अगला केमिकल है हमारे पास D7, इसको हम यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील के लिए, स्टेनलेस स्टील को पॉलिश करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है केमिकल को। और बाकी हम इससे अपने फ्रिज को भी साफ़ कर लेते हैं, फ्रिज का डोर हो गया, ट्रॉली होगी और डिश वॉशिंग मशीन होगी, उसको साफ़ करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। और इसका भी कोई डाइल्यूशन नहीं है, इसको सीधा रेडी टू यूज़ होता है, बोतल में से निकालो और यूज़ करो इसको। अगला केमिकल है हमारे पास D8। D8 का यूज़ किया जाता है चांदी के बर्तनों के लिए, या फिर कोई भी चांदी की चीज़ है उसको साफ करने के लिए हम D8 केमिकल का यूज़ करते हैं। और इसका भी कोई डाइल्यूशन नहीं है, ये रेडी टू यूज़ होता है, सीधा बोतल में से निकालो और इसको यूज़ करो। और बस इसका इतना ध्यान रखना है कि जब इसको आपने निकालना है बोतल से बाहर तो उसको किसी प्लास्टिक के बर्तन या फिर किसी प्लास्टिक की बोतल में ही निकालें। अगला केमिकल है D9। D9 केमिकल का यूज़ ग्रिल क्लीनिंग के लिए किया जाता है और इसका डाइल्यूशन है 10 लीटर पानी में 500 ml। अगला जो हमारे पास केमिकल है वह है D10। सैनिटाइजर। यह एक तरल डिटर्जेंट कीटाणु नाशक केमिकल है जो सतह को साफ और कीटाणु रहित करता है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।